हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीलर नाइटिया में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर ट्रेड थ्योरी सिलेबस। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल और बाकी के जो टॉपिक है जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके बारे में आपको पूरा समझा के बताया। इसके आज के क्लास में हम आपको सिर्फ टर्नर ट्रेड थ्योरी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पूरा 2 साल के पूरे सिलेबस के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि आपका कौन कौन सा टॉपिक है थियोरेटिकल। तो इसके पहले भी हमने प्रैक्टिकली आपको बताया था कि प्रैक्टिकल सिलेबस, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसके बाद कौन से फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, फिर टाइम टेबल आपका पेपर कौन से इसमें होता है, उसके बाद CVT एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल समझाया था इसके पहले के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर ट्रेड थ्योरी सिलेबस। तो सिलेबस क्या होता है कि जैसे आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको सिखाए जाएंगे, जैसे थियोरेटिकल। आज हमारा थ्योरी सिलेबस के बारे में पूरा बात है। तो 2 साल में आपको कौन कौन से कितने मॉड्यूल होते हैं, कौन कौन से टॉपिक है, उसके बारे में पूरी हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आप देख सकते कि टर्नर NSQO लेवल 5, जो आपका NSQO लेवल 5 के हिसाब से आपका पूरा कोर्स बनता है, तो जिसमें हम आपको ट्रेड थ्योरी सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट ईयर का सबसे पहला मॉड्यूल आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब क्या होता है, जैसे हम वर्कशॉप में काम करेंगे या फिर इंडस्ट्रियल में, जैसे आप ITI हो जाएगा उसके बाद इंडस्ट्रियल में काम करेंगे, तो उस समय सेफ्टी कौन कौन से फॉलो करने चाहिए अपने खुद के लिए, या फिर जब आप मशीन के ऊपर काम करते हैं मशीन की सेफ्टी होता है, वर्कशॉप सेफ्टी होता है, तो इस सब के बारे में आपको सिखाया जाता है। जैसे थियोरेटिकल है तो सबसे पहले मॉड्यूल में आपको सेफ्टी के बारे में पूरा सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला टॉपिक कौन सा है आपका, गाइडेंस टू न्यू कॉमर्स अबाउट ITI सिस्टम इंक्लूडिंग स्टोर्स। मतलब आपका पूरा पूरा गाइड आपको किया जाता है कि जैसे आपका टर्नर ट्रेड है तो टर्नर ट्रेड में कौन कौन से मशीन्स होते हैं, उसके बाद कौन कौन से टूल्स आपका आप यूज़ करेंगे, उस टूल्स को यूज़ करते समय कौन सी सेफ्टी आपको यूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में पूरी सेफ्टी के बारे में आपको सबसे पहले मॉड्यूल में आपको सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे शॉर्टकट में PPE कहा जाता है। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव मतलब खुद की सेफ्टी के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानकारी होती है, जैसे एप्रन हो जाता है, हो गया सेफ्टी शूज, उसके बाद सेफ्टी गॉगल, हेलमेट, पूरी जानकारी आपको जो पहला मॉड्यूल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इस मॉड्यूल में आपको पूरा सेफ्टी के बारे में सिखाया जाता है कि वर्कशॉप में किस तरह से रहना है, कौन कौन से सेफ्टी को आपको फॉलो करना है, मशीन को स्टार्ट करते समय या फिर मशीन को बंद करने के बाद कौन सी सेफ्टी आपको अप्लाई करना चाहिए, सब पूरा आपको फर्स्ट मॉड्यूल में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में सिखाया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल होता है हमारा बेसिक फिटिंग। बेसिक फिटिंग में क्या होता है, जैसे इसके पहले मैंने प्रैक्टिकल सिलेबस समझाते हुए बताया था कि जो फिटिंग होता है, तो ये हमारा जो टर्नर ट्रेड है अलाय ट्रेड है। अलाय ट्रेड मतलब एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड को मिलाकर बनाया गया है ये कोर्स। तो फिटिंग क्या होता है, जैसे फिटर वाला जॉब है तो फिटर जो ट्रेड होता है, फिटर ट्रेड में जो भी प्रैक्टिकल हम करते हैं तो उस समय जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मॉड्यूल नंबर 2 में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट लाइन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंड स्टील रूल, मतलब कौन कौन से मेजरिंग टूल होते हैं, कितने प्रकार के मेजरमेंट होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है। जैसे स्टील रूल हो गया, उसके बाद वर्नियर कैलिपर, जितने आगे आप जाते जाओगे उतने बाद उसके डिटेल में आपको समझाया जाता है। जैसे उसके बाद बेसिक फिटिंग में आपका आ जाता है टूल्स। टूल्स में आपको कौन कौन से टूल्स यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हैमर हो गया, चीजल हो गया, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैक्सा फ्रेम, मतलब हैक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं, हैमर कितने प्रकार के होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, सरफेस गेज, पूरी जानकारी आपको बेसिक फिटिंग में आपको ज़्यादातर पूरे टूल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो आगे में आपका आता है थर्ड नंबर का मॉड्यूल टर्निंग। टर्निंग मॉड्यूल में आपका एकदम टर्नर ट्रेड, रियल टर्नर ट्रेड स्टार्ट होता है मॉड्यूल नंबर 3 टर्निंग, जिसमें प्रैक्टिकल में भी मॉड्यूल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि पूरा मेन आपका टर्नर का काम चालू होता है मॉड्यूल नंबर 3 टर्निंग मॉड्यूल से। जो आपका प्रैक्टिकल जो मॉड्यूल था मॉड्यूल नंबर 3 टर्निंग, इसमें भी थियोरेटिकल में भी सेम है, जो आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है उसी के रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, टेलर स्टॉक, कैरेज, सैडल, मतलब ये जो हमारा टर्निंग मॉड्यूल है इसमें आपको थियोरेटिकली हर एक मशीन के, जैसे हमारा लेथ मशीन है तो लेथ मशीन के हर एक पार्ट्स के बारे में आपको सिखाया जाता है कि कौन सा पार्ट्स क्या होता है, कि कौन से पार्ट्स से आप
को कौन से काम करना होता है, कुछ कौन सा मशीन का पार्ट किस तरह से काम करता है, हर एक जानकारी आपको मॉड्यूल नंबर 3 जो टर्निंग होता है इसके बारे में इस मॉड्यूल में आपको दिया जाता है। उसके बाद जैसे हमारा टर्नर का काम ज़्यादा लेथ मशीन के ऊपर होता है, तो लेथ मशीन का भी यहाँ पर आपको दिखाया गया सिखाया जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मशीन एंड मशीन टूल, मतलब लेथ मशीन क्या है, मशीन के बारे में पूरी उसकी जानकारी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, लेथ मशीन किस तरह से काम करता है। उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन, मतलब लेथ मशीन को किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद उसके कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है, उसके फंक्शन, उसके कंस्ट्रक्शन, मतलब किस मटेरियल से बना है हर एक पार्ट, तो पूरी जानकारी आपको मॉड्यूल नंबर 3 टर्निंग मॉड्यूल में आपको पूरा लेथ मशीन के बारे में दिया जाता है। उसके बाद जैसे लेथ मशीन के हर एक पार्ट, बहुत सारे पार्ट है, तो हर एक पार्ट का स्पेसिफिकेशन भी दिया जाता है। उसके बाद लेथ मशीन को किस तरह से स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आपको पूरी मॉड्यूल नंबर 3 टर्निंग मॉड्यूल में दिया जाता है। उसके बाद सामने चलते हैं हम मॉड्यूल नंबर 3 में, इसके सामने अगर जाते हैं तो कटिंग स्पीड, मतलब मशीन को ऑपरेट करते समय स्पीड कितना रखा जाता है, कौन से ऑपरेशन के लिए कितना स्पीड होता है। उसके बाद जो मेजरिंग टूल है, मेजरिंग टूल में जैसे देख मान मान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर कौन से मटेरियल से बना होता है, उसका वर्नियर कैलिपर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, उसकी ग्रेजुएशन किस तरह से होता है, कितने प्रकार के वर्नियर कैलिपर होते हैं। उसके बाद आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इन इन तरह के जितने भी कटिंग टूल, मेजरिंग टूल या फिर जो भी आपका हैंड टूल होता है, उन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको मॉड्यूल नंबर 3 में दिया जाता है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर मैंने बताया थे ये पूरे आपको दिखाई देता है। ये जो आपको टॉपिक है, आपका टॉपिक नंबर इस तरह से आपका आपका क्लास होता है कंटिन्यू, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबरिंग किया, नंबरिंग के हिसाब से आपका क्लास होता है। इसके बाद का मॉड्यूल आता है मॉड्यूल नंबर, मतलब सेकंड सेमेस्टर, मतलब जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो से छः छः महीने का होता है, उसमें आपका 3 मॉड्यूल है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद 6 महीने के बाद आपका सेकंड सेमेस्टर चालू होता है, तो सेकंड सेमेस्टर में पहला मॉड्यूल है टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग क्या होता है कि जैसे लेथ मशीन में आप काम कर रहे हैं, तो लेथ मशीन में काम करते समय टेपर टर्निंग एक प्रैक्टिकल मतलब ऑपरेशन का नाम है, तो उस टेपर टर्निंग को किस तरह से किया जाता है, टेपर टर्निंग करते समय कितने प्रकार से आप टेपर टर्निंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टेपर टर्निंग करते समय आपको डिग्री में डिग्री का कैलकुलेशन होता है, जिससे आपको डिग्री में कटिंग करना होता है लेथ मशीन के ऊपर, जॉब के ऊपर टेपर टर्निंग करना होता है, तो उस समय आपको पूरा पता होना चाहिए कि लेथ मशीन में कितने प्रकार से हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद टेपर टर्निंग करते समय लेथ मशीन के कौन से पार्ट के ऊपर आपको डिग्री सेट करना होता है, ये सब पूरी जानकारी आपको सेकंड सेमेस्टर मॉड्यूल नंबर 1 टेपर टर्निंग में दिया जाता है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 आता है सेकंड सेमेस्टर का एक्सेंट्रिक टर्निंग। एक्सेंट्रिक टर्निंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो आपने 4 व्हीलर में सुना है या फिर 2 व्हीलर में जो क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट कभी भी सीधा नहीं होता, उसमें दो या फिर दो से ज़्यादा सेंटर होते हैं, जिसे एक्सेंट्रिक टर्निंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो पिस्टन हमारा अप डाउन होता है, जब हम कोई भी मशीन को देखते हैं अंदर की तरफ से, तो उस समय जो क्रैंक शाफ्ट होता है ज़्यादातर एक्सेंट्रिक टर्निंग क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही किया जाता है। जब आपको प्रैक्टिकली आप करेंगे तब आपको सिखाया जाता है। तो एक्सेंट्रिक टर्निंग करते समय आपको एक्सेंट्रिक टर्निंग करने से पहले उसकी मार्किंग आपको पता होना चाहिए कि मार्किंग किस तरह से किया जाता है, मार्किंग करते समय कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करने होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नियर हाइट गेज दिया है, तो वर्नियर हाइट गेज की सहायता से एक्सेंट्रिक टर्निंग की मार्किंग की जाती है। जो जिस तरह से आपका डायग्राम रहता है, उस डायग्राम के हिसाब से एक्सेंट्रिक टर्निंग की मार्किंग सबसे पहले किया जाता है जॉब के ऊपर। उसके बाद उसी तरह से जॉब को सेट करके लेथ मशीन के ऊपर ट्रू करके फिर टर्निंग किया जाता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाता है मॉड्यूल नंबर 2 सेकंड सेमेस्टर के एक्सेंट्रिक टर्निंग में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूल नंबर 3 आता है थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जॉब के ऊपर, जैसे हमारा नट बोल्ट होता है, तो नट बोल्ट के ऊपर थ्रेड होता है, जिसे हिंदी में चूड़ी बोला जाता है। तो इस थ्रेड को कट करते समय किस तरह से कट किया जाता है, थ्रेडिंग करते समय मशीन की गियर सिस्टम पूरा चेंज होता है, तो उसके लिए सबसे पहले कैलकुलेशन किया जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमें थ्रेडिंग करना है, तो थ्रेडिंग करते समय एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उस स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से आपको सबसे पहले लेथ मशीन में गियर सेट करने होते हैं। तो इस गियर सेट करते समय गियर की कैलकुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइव ट्रेन चेंज गियर फार्मूला कैलकुलेशन, मतलब पूरा कैलकुलेशन करके सबसे पहले गियर जो होते हैं गियर के टीथ का नंबर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद उस नंबर के हिसाब से गियर को सेट करके फिर जाके आपका जो स्टैंडर्ड साइज का थ्रेड होता है, उस थ्रेड की टर्निंग की जाती है, जिसे कहा जाता है मॉड्यूल नंबर 3 थ्रेड कटिंग। उसके बाद आता है मॉड्यूल नंबर 4 अदर फॉर्म ऑफ थ्रेड, मतलब
जो थ्रेड होता है, थ्रेड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको मॉड्यूल नंबर 4 में अदर फॉर्म ऑफ थ्रेड में आपको क्या सिखाया जाता है कि कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग टू थिकनेस, कोर डायमीटर, डेप्थ ऑफ कट, मतलब जैसे हर एक थ्रेड है, थ्रेड में डेप्थ ऑफ कट होता है, माइनर डायमीटर होता है, उसका कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। तो मॉड्यूल नंबर 4 में वही आपको सिखाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली हम भी थ्रेड को उपयोग करते हैं, भी थ्रेड को छोड़ के और जितने भी प्रकार के थ्रेड है उन सबको, सबकी जानकारी आपको इस मॉड्यूल में दिया जाता है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 आता है हमारा स्पेशल जॉब एंड मेंटेनेंस। स्पेशल जॉब एंड मेंटेनेंस में इसमें आपको जो नॉर्मली हम जॉब करते हैं इससे कुछ अलग प्रकार के जॉब आपको सिखाया जाता है जिसके बारे में। तो इसमें ज़्यादातर आपको एसेसरीज का यूज़ किया जाता है, जैसे अटैचमेंट हो जाता है, उसके बाद एंगल प्लेट को किस तरह से सेट करना, फेस प्लेट को किस तरह से सेट करना, इन सबको उपयोग करके किस तरह से जॉब को तैयार किया जाता है इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी मशीन के ऊपर काम करते हैं, तो मशीन के ऊपर काम करते समय वो कभी कुछ ना कुछ होते रहता है उसमें, अगर कुछ बहुत दिन अगर हम काम करते हैं तो कोई भी चीज़ के ऊपर, तो उसमें मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। तो लेथ मशीन के ऊपर काम करते समय कौन कौन से मेंटेनेंस, कौन कौन से पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिया जाता है मॉड्यूल नंबर 5 स्पेशल जॉब एंड मेंटेनेंस में। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूल नंबर 4, जैसे हमारा अभी मॉड्यूल नंबर 5 स्पेशल जॉब एंड मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद आपका आता है थर्ड सेमेस्टर, जो आपका सेकेंड ईयर में आपको स्टार्ट होता है। सेकेंड ईयर का जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर है, हर एक 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होने के बाद आपका जब सेकेंड ईयर चालू होता है, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद आपका जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तब आपका ये मॉड्यूल चालू होता है। तो मॉड्यूल नंबर जो आपका सेमेस्टर थर्ड में मॉड्यूल नंबर पहला है फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेथ मशीन पर हम काम कर रहे हैं, तो लेथ मशीन पर काम करते समय कटिंग टूल के सहायता से कोई भी जॉब को कट किया जाता है, टर्निंग या फिर जो भी ऑपरेशन है सब किया जाता है। तो फॉर्म टर्निंग क्या होता है, फॉर्म टर्निंग मतलब कटिंग टूल का जो आकार होता है उसी आकार का जॉब आपको तैयार करना होता है, जिसे कहा जाता है फॉर्म टर्निंग। मतलब मान लीजिए कि जॉब का हमारा हम जो कटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, कटिंग टूल का आकार हमारा रेडियस है, तो रेडियस कटिंग टूल का आकार होने के बाद अगर हमें फॉर्म टर्निंग करना है तो जो जॉब हमारा बनेगा वो भी एक तो डायमीटर मतलब गोलाई में बनेगा या फिर हाफ रेडियस में बनता है, जिसे कहा जाता है फॉर्म टर्निंग। इसके बाद आता है आपका मॉड्यूल नंबर 2 सेकेंड ईयर का टर्निंग विथ लेथ अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब यह होता है हमारा एक प्रकार का जुगाड़, मतलब अगर कोई स्पेशल जॉब होता है तो उस समय जो हमारा अटैचमेंट होता है अटैचमेंट का उपयोग करके हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेथ मशीन के ऊपर अगर हमें ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना है, ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, कोई भी जॉब के ऊपर ग्राइंडिंग मतलब कटिंग टूल के ऊपर हम ग्राइंडिंग करके उसमें उसकी धार लगाते हैं, तो उसी तरह से ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है कि फिनिशिंग, जैसे लेथ मशीन में कोई भी जॉब हमारा राउंड सर्कल में होता ही है, जो हमारा राउंड जॉब होता है उसके ऊपर अगर हमें फिनिशिंग लाना है तो ग्राइंडिंग अटैचमेंट का उपयोग करके भी हम उसके ऊपर ग्राइंडिंग कर सकते हैं, जो ज़्यादातर बेयरिंग साइज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद गियर कटिंग का भी अटैचमेंट आप लेथ मशीन पर लगा कर लेथ मशीन के ऊपर गियर कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग जैसे टेपर टर्निंग अटैचमेंट भी आता है, तो अलग अलग प्रकार के अटैचमेंट आते हैं। तो अटैचमेंट कौन सा अटैचमेंट किस तरह से सेट किया जाता है, कौन सा अटैचमेंट कौन से काम के लिए होता है, इस सब की जानकारी आपको दिया जाता है मॉड्यूल नंबर 2 सेकेंड ईयर के टर्निंग विथ लेथ अटैचमेंट। इसके बाद आता है मॉड्यूल नंबर 3 बोरिंग। बोरिंग मतलब क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकली जब हमारा प्रैक्टिकल सिलावा से उस समय आपको बताया था कि बोरिंग क्या होता है, कि जब हम कोई भी लेथ मशीन के ऊपर जॉब के ऊपर अगर हम ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करते समय कोई भी एक स्टैंडर्ड साइज का होल होता है, तो उससे अगर बड़े साइज का अगर होल हमें ज़रूरत होती है तो उस समय बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। बोरिंग भी 2-3 प्रकार से किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल मेकर बटन एंड इट्स पार्ट्स, मतलब इसमें अगर टूल मेकर जो हमारा क्लैंप होता है एक प्रकार का, जैसे मैंने अभी अटैचमेंट के बारे में बात किया था, तो उस प्रकार का क्लैंप होता है जिसके सहायता से बोरिंग ऑपरेशन एक्यूरेसी में किया जाता है। तो इस प्रकार की जितने भी बोरिंग ऑपरेशन है आपको मॉड्यूल नंबर 3 में सिखाया जाता है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 है हमारा थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग में यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के थ्रेड बनाना सिखाया जाता है, जैसे सिंगल स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मतलब डबल स्टार्ट थ्रेड, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, मतलब एक सिंगल स्टार्ट से जो नॉर्मली हम थ्रेड यूज़ करते हैं नट बोल्ट पे उसके ऊपर सिंगल स्टार्ट होता है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड मतलब कब यूज़ करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर जल्दी हमें
ढीला करना है या फिर टाइट करना है, तो उस समय मल्टी स्टार थ्रेड को उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.1.108 में मल्टी स्टार स्टैंडर्ड एंड मेथड, मतलब मल्टी स्टार थ्रेड को किस तरह से कट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इस सब की पूरी जानकारी आपको मॉड्यूल नंबर 4 में थ्रेड कटिंग में दिया जाता है। इसके बाद आता है 4th सेमेस्टर, मतलब लास्ट सेमेस्टर आपका, जो लास्ट के 6 महीने होते हैं, लास्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर, उसमें आपको पूरा लास्ट के जो 6 महीना होता है वो सीएनसी मशीन के बारे में जानकारी दी जाती है। सीएनसी मशीन मतलब क्या होता है, जैसे सीएनसी मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर के सहायता से चलने वाली पूरी मशीन, जिसे कहा जाता है सीएनसी मशीन। तो हमारे जो हमारा जैसे आपको स्टार्टिंग से जो आपका 1.5 साल रहता है वो पूरा मैनुअली काम करना होता है आपका आपको, तो उसके बाद जब आपका एडवांस कुछ जैसे मशीन है, अभी इंडस्ट्री में एडवांस मशीन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे सीएनसी है, ये एडवांस मशीन है, पूरा कंप्यूटर बेस पे चलता है, इसमें सिर्फ आपको प्रोग्राम ऐड करना होता है, उसके बाद प्रोग्राम रन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मशीन पूरा काम करता है। तो इसके बारे में आपको सिखाया जाता है कि सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी, मतलब सीएनसी मशीन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कौन से साल में आया है, ये किस तरह से काम करता है, सीएनसी मशीन कितने प्रकार के है, तो ये सब पूरी जानकारी आपको मॉड्यूल नंबर 1 4th सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी में दिया जाता है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 है सीएनसी टर्निंग। जैसे इसके पहले हमने टर्निंग के बारे में बात किया था तो मैनुअली टर्निंग था, इसके बाद सीएनसी टर्निंग आता है। अगर लेथ मशीन अगर हमें हम पहले 1.5 साल तक मैनुअली ऑपरेट करते हैं, उसके बाद अगर सीएनसी लेथ मशीन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से टर्निंग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्या है सीएनसी टर्निंग में, प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, मतलब जो आपको जिस आकार में जॉब तैयार करना है उस आकार का जॉब के हिसाब से आपको सबसे पहले प्रोग्राम लिखना होता है, उस प्रोग्राम को रन किया जाता है सीएनसी मशीन में, इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 आता है टूल सेटिंग एंड डाटा इनपुट, मतलब सीएनसी मशीन में आपको, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करते समय कोई भी जॉब एक टूल से नहीं बनता है, अलग अलग प्रकार के टूल हमें यूज़ करना होता है, तो टूल की सेटिंग किस तरह से किया जाता है सीएनसी मशीन में, इसके बारे में आपको सिखाया जाता है मॉड्यूल नंबर 3 में लास्ट सेमेस्टर के। और डाटा इनपुट, डाटा इनपुट मतलब जो हम प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, जैसे सीएनसी मशीन मैंने पहले भी बोला था कि इसमें प्रोग्राम बेस चलता है पूरा, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे कोई भी जॉब है, जॉब के आकार के हिसाब से सबसे पहले प्रोग्राम लिखना होता है, तो उस प्रोग्राम को किस तरह से इनपुट किया जाता है सीएनसी मशीन में, ये इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टूल ज्योमेट्री इंसर्ट टाइप नॉमिनिकल्चर ऑफ इंसर्ट, मतलब एक कटिंग टूल के प्रकार है अलग अलग प्रकार के, इसमें आपको कटिंग टूल के हिसाब से भी आपका जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम लिखा जाता है, मतलब जैसे कोई भी जॉब है, जॉब के ऊपर अगर हमें थ्रेडिंग टूल लगाना है तो थ्रेडिंग टूल के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है, ये कोड कोड में आता है पूरा, जो भी हम सीएनसी में प्रोग्राम ऐड करते हैं पूरा कोड कोड आता है, जी कोड और एम कोड। इसके बाद आता है आपका मॉड्यूल नंबर 4 प्रोग्राम एंड सिमुलेशन। सिमुलेशन यह मशीन मशीन के ऊपर होता है, जो हमने अभी आपके आपको बोला है कि प्रोग्राम लिखना होता है, तो उसी के बारे में आपको सिखाया जाता है कि प्रोग्राम किस तरह से लिखना है, प्रोग्राम को किस तरह से रन करना होता है, कि अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम होता है, कोड सिस्टम होता है, तो उसका किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट प्रोग्राम ऑफ ग्रूविंग, मतलब ग्रूविंग एक ऑपरेशन का नाम है लेथ मशीन के ऊपर किया जाने वाला, तो इसका क्या प्रोग्राम होता है, ड्रिलिंग का क्या प्रोग्राम होता है, बोरिंग, उसके बाद थ्रेडिंग का क्या प्रोग्राम होता है पूरा प्रोग्राम आपको सिखाया जाता है लास्ट सेमेस्टर के 4th मॉड्यूल में। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 सीएनसी टर्निंग ऑपरेशन, इसमें आपको पूरे टर्निंग, मतलब टर्निंग बोला गया तो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, टर्निंग में बहुत सारे ऑपरेशन आ जाते हैं, तो उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग ऑन सीएनसी टैपिंग, टैपिंग अगर हमें करना है, जैसे थ्रेडिंग का एक टैपिंग के सहायता से थ्रेडिंग किया जाता है इंटरनल थ्रेडिंग, तो इंटरनल थ्रेडिंग करने के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, इन सब के बारे में आपको सिखाया जाता है। और इसके बाद लास्ट मॉड्यूल आता है आपका, जो हमारा 2 साल का टर्नर ट्रेड है, इसमें लास्ट मॉड्यूल है हमारा एडवांस टर्निंग। एडवांस टर्निंग जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था कि जो हमारा एडवांस मशीन यूज़ किया जाता है, उसमें अभी लास्ट मॉड्यूल आता है हमारा एडवांस टर्निंग का, जिसमें आपको सेटिंग अप टूल फॉर टेपर थ्रेड, मतलब अगर हमें टेपर में थ्रेडिंग करना है, जब आप ऑपरेशन करने जाओगे, जब आपको कुछ दिन आप प्रैक्टिकल करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि टेपर क्या होता है, अगर टेपर में अगर हमें थ्रेडिंग करना है तो उस समय कौन सा
किस तरह से किया जाता है सीएनसी मशीन के ऊपर, प्रोग्राम को रन किस तरह से करना होता है इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ टेपर सेटिंग, मतलब जैसे टेपर टर्निंग है ये डिग्री के ऊपर पूरा डिग्री होता है, बिना डिग्री के टेपर टर्निंग नहीं होता है। तो सीएनसी मशीन के ऊपर अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो उसका कैलकुलेशन आता है, डिग्री निकालने का कैलकुलेशन आता है। इस कैलकुलेशन के बारे में भी आपको सिखाया जाता है। इस तरह से आपका जो टर्नर ट्रेड का जो सिलेबस है, हमारा आज का जो टॉपिक है, तो इस तरह से आपका पूरा 4 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 6 6 महीने में डिवाइड किया गया है सेमेस्टर को। इस तरह से जो भी हमने टॉपिक दिया है यही आपका एनएसक्यूएफ लेवल सिलेबस के हिसाब से आपको सिखाया जाता है 2 साल में। जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी हमने अभी आपके आपके सामने बात की है, पूरी आपको जानकारी दिया जाता है। तो जो हमने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है, तो आपका जो जब आप आईटीआई में एडमिशन करेंगे तो आपको एक सिलेबस दिया जाता है जिसमें जो बहुत सारे जानकारी होते हैं, लेकिन इसमें से जो हम आपको अभी आपके सामने बताए यही आपका रियल सिलेबस है जो हमने आपको एडिट करके दिखाया गया है। और जो आप अगर सिलेबस आपकी ज़रूरत है तो हम डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग का लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में भी हमने आपको पूरा जो प्रैक्टिकल सिलेबस होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस और WS मतलब मैथ का सिलेबस भी, आप सिलेबस को भी समझा के बताए, उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप पूरी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक आपको इस तरह से देंगे कि पूरा फुल सिलेबस का आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। जिस तरह से आपका आप पढ़ते आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और हमारा वेबसाइट है जिसमें आप मॉक टेस्ट मतलब जो आईटीआई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसके भी तैयारी आप कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.elearnitii.in। इस वेबसाइट में आपको पूरी जानकारी जो जो भी चाहिए आपके ट्रेड रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। कोई भी जानकारी की अगर आपको आवश्यकता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।